टुडे आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट ओरल मकोसा चैप्टर नंबर 12 ऑफ ओरल हिस्टोलॉजी की इसमें से आपने कौन से टॉपिक्स जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं एमसीक्यू और एसीक्यू के लिए। तो आज मैं आपको इसकी जो है वो गाइडलाइंस बताऊंगी। सो लेट स्टार्ट। जो चैप्टर नंबर 12 है आपका ओरल मकोसा का, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता होता है एसीक्यू, और एमसीक्यू जो है वो दो तीन ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपने अच्छे तरीके से करना है। इसकी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन हैं, जैसे कि टेबल्स इसके बने हुए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो टेबल्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, उन्हीं में से आपके एमसीक्यू और एसीक्यू मोस्टली हो जाते हैं, ठीक है। तो वो टेबल्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। इस पेज में से, फर्स्ट पेज में से आपने क्या चीज़ें याद करनी है वो मैं आज आपको पहले बताऊँगी। इसमें हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन, यानी कि टर्म जो है ऑफ द ओरल मिकोज़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो लिखी हुई है, लाइनिंग इज़ रेफर टू द ओरल मिकोज़ा, म्यूकस मेम्ब्रेन आर द ओरल मिकोज़ा, ठीक है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आपने इसी तरीके से याद रखनी है कि म्यूकस मेम्ब्रेन इनके मॉइस्ट लाइनिंग जो होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे, नेजल पैसेजेस पे और अदर बॉडी कैविटीज़ पे कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर, ठीक है। और उन लाइनिंग को जो हम लोग ओरल मिकोज़ा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि टिप पे अगर हम देखते हैं तो ओरल म्यूकोसा जो है वो कंटिन्यूस होता है स्किन से कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और अगर फेरेंस पे देखें तो ओरल म्यूकोसा जो है कंटिन्यूस होता है विद द म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द गट से, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए दो लाइन्स हैं, और ऊपर जो म्यूकोसा है ओरल म्यूकोसा उसकी डेफिनेशन एसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद स्किन, ओरल म्यूकोसा एंड इंटेस्टाइनल लाइनिंग कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट टिश्यूज, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और एक कवरिंग एपिथीलियम होती है, ठीक है। ये दो इसकी जो है वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है टिश्यू कंपोनेंट्स की, ये आपने वैसे रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। एमसीक्यू एसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आगे जाते हैं फंक्शन ऑफ द ओरल म्यूकोसा। फंक्शन जो है इसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ये एसीक्यू बहुत दफ़ा आया हुआ पेपर में और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फंक्शन जो है इसमें जो ये लिखे हुए हैं कि एक इसका फंक्शन आ जाता है प्रोटेक्शन, एक इसका सेंसरी ऑर्गन में इसका रोल होता है, सेक्रीशन इसका जो है वो रोल है, थर्मल रेगुलेशन, सेंसेशन, सेक्रीशन एंड प्रोटेक्शन, ये इसके चार जो हैं वो हमारे पास फंक्शंस हैं। इनकी आपने पहले हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको एलेबोरेट करना है, ठीक है। जो हमारे पास प्रोटेक्शन है उसमें यह आ जाता है कि ओरल म्यूकोसा जो है वो सेपरेट करता है और प्रोटेक्ट करता है डीपर टिश्यू को और ऑर्गन्स को, जो कि ओरल रीजन ऑफ द हमारे ओरल कैविटी में जो हमारे पास यानी कि टिश्यूज़ होते हैं डीपर टिश्यूज़, उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सीजिंग ऑफ फूड, यानी कि जब हम लोग बाइट करते हैं, चीइंग करते हैं खाते हुए, तो उस टाइम पे जो है ओरल म्यूकोसा वो मैकेनिकल फोर्सेस लगा के कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग, शेडिंग वगैरह, तो क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है डीपर टिश्यूज़ को, ठीक है। और नंबर ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ द एपिथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू स्टैंड्स इन सेल्स, यानी कि अगर कोई उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर भी ओरल म्यूकोसा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो जाता है तो तब जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये एक्ट करता है बैरियर के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। और ये फिर हमें इन्फेक्शन वगैरह से जो है डीपर टिश्यूज में उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आगे इसका जो सेकंड फंक्शन है वो आ जाता है सेंसेशन का, ठीक है। तो सेंसेशन में इसका जो फंक्शन है उसमें हमारे पास आ जाता है सेंसरी फंक्शन। जो ओरल म्यूकोसा का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स विद इन द ओरल कैविटी, यानी कि जो हमारे ओरल कैविटी में जो फंक्शंस हो रहे होते हैं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है कि हमारे जैसा कि टांग में अगर या टेस्ट बर्ड्स में या हमारे रूम टेम्परेचर जो है हमारे बारे में हमारे माउथ का उसके बारे में हमें बता रहा होता है, यानी कि अगर हमें कोई टच हुई है कोई चीज़ या कोई हमें पेन हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा होता है। जो ओरल कैविटी में सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके बारे में बता रहा होता है। और जो रिफ्लेक्सेस होती हैं जैसे स्वेलिंग, गैगिंग, यानी कि वोमिटिंग वगैरह जब आ रही होती है तो जो फीलिंग होती है उसको जो है ये क्या करता है, हमें सेंसेशन जो है मतलब कि प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्रीशन। सेक्रीशन में क्या है, जैसे कि सलाइवा प्रोड्यूस होता है बाय द सलाइवरी ग्लैंड, वो मेजर रोल प्ले करता है सेक्रीशंस में। ये इसमें हमारे पास मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं और माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सिचुएटेड होते हैं किधर, लॉन्ग डक्ट्स के जरिए से आते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ओरल म्यूकोसा। और जो माइनर हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद ओरल म्यूकोसा, ठीक है। जिनके सलाइवरी ग्लैंड्स, ये हमारा लगता चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे, उसके बाद स्पेशियस ग्लैंड्स आ जाते हैं, कॉमन प्रेजेंट इन द ओरल म्यूकोसा बट देयर सेक्रीशंस आर प्रोबेबली इनसिग्निफिकेंट, यानी कि जो हमारे पास मेजर और माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनका ज़्यादा रोल है, जबकि स्पेशियस ग्लैंड्स हैं उनका इतना रोल नहीं है सेक्रीशन में ऑफ द ओरल म्यूकोसा। उसके बाद आ गया जाता है थर्मल रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन जो है ये मोस्टली एनिमल्स में होती है, ह्यूमंस में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन जो है ओरल म्यूकोसा के प्लेस फिजिकल नो रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और ये आपने जो है इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आगे एक और इसका फंक्शन है परमेबिलिटी एंड इस अब्सॉर्प्शन जो है उसमें प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद आगे जाता है बाउंड्रीज ऑफ द ओरल म्यूकोसा।
बाउंड्रीज हमारे पास एक आउटर वेस्टिब्यूल है और एक हमारे पास आ जाती है ओरल कैविटी प्रॉपर, ठीक है। ये इसकी दो बाउंड्रीज हैं, ये मोस्टली एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, एससीक्यू के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए इसको जो है वही दफा रीड आउट कर लेना है इस इन बाउंड्रीज वाले को। उसके बाद जो हमारे पास ये टाइप्स हैं, थ्री मेन टाइप्स ऑफ द ओरल म्यूकोसा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, वहाँ से आपने करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ। अभी जो इसका वैसे इधर डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है और उसकी परसेंटेज लिखी हुई है और नेक्स्ट पेज के फंक्शंस वगैरह और डिटेल सारी लिखी हुई है, ठीक है, वो आपने वहाँ से करनी है। तो इसके जो हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास मेस्टिकेट म्यूकोसा है, लाइनी म्यूकोसा है, स्पेशलाइज म्यूकोसा, ये तीनों मेन टाइप्स जो है म्यूकोसा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आ जाता है कि जो हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है ओरल म्यूकोसा का वो रिप्रेजेंट होता है लाइनी म्यूकोसा से, अबाउट 60% एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने रटनी है। उसके बाद जो हमारे पास मेस्टिकेट म्यूकोसा है एंड स्पेशलाइज म्यूकोसा, मेस्टिकेट म्यूकोसा जो है उसमें स्मॉलर यानी कि 25% है और स्पेशलाइज जो है उसमें 15% जो है वो इसका रोल होता है, ठीक है, और म्यूकोसा में इसका स्मॉल पार्ट है। उसके बाद आगे आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें तो इसमें आपने याद रखनी है कि जो ओरल म्यूकोसा है इस मोर डीपली कलर्ड मोस्ट अमेलेज एट द लिप्स, ठीक है, यानी कि वर्मिलियन बॉर्डर कंट्रास्ट विद द स्किन टोन, ये आपने सारा एक दफ़ा रीड करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं ना ये वाली, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि कलर गिव्स एन इंडिकेशन एज टू द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द म्यूकोसा, इन्फ्लेम टिश्यू या फिर रेड होगा, क्योंकि जब डायलेशन होगी ब्लड वेसल्स की तो नॉर्मली जो है हेल्दी टिश्यू वाला पैलर पिंक, यानी कि ये पूछा जाता है कि नॉर्मल हेल्दी टिश्यू जो है उसका कलर कौन सा होगा और जब डायलेशन हो जाएगी ब्लड वेसल्स की तो तब कलर कौन सा आएगा, तो ये आपने एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना। उसके बाद जो हमारे पास स्किन इसके ग्लैंड्स के बारे में आपने हेडिंग देनी है कि स्किन जो है कंटेन करती है न्यूमरस हेयर फॉलिकल्स, स्पेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, याद आता है कि स्किन में क्या कुछ है, ठीक है। वेयर एज ओरल म्यूकोसा, यानी कि ये एमसीक्यूज में नहीं एससीक्यू में मोस्टली पूछते हैं कि स्किन क्या कंटेन कर रहा है और ओरल म्यूकोसा जो है वो क्या कंटेन कर रहा है। तो ओरल म्यूकोसा जो है एसेंशियली ओनली हैज माइनस लाइवली ग्लैंड्स होते हैं, जबकि स्किन जो है इसकी वो कंटेन कर रही होती है हेयर फॉलिकल, स्पेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। और ये ग्लैंड्स जो हैं वो क्या कंसनट्रेटेड इन वेरियस रीजन्स ऑफ द ओरल कैविटी एंड ओपनिंग ऑफ द डर्व्स, या फिर सारा एक दफ़ा रीडर्ट कर लेना और आपको पता होना चाहिए कि स्पेशियस ग्लैंड्स किधर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू और एमसीक्यू और वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पेशियस ग्लैंड्स जो है वो किधर प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपर लिप में होते हैं, बकल म्यूकोसा में होते हैं, इन अबाउट 3/4 ऑफ द अडल्ट, ठीक है। उसके बाद आगे जैसे स्पेशियस ग्लैंड के कलर क्या है, अपीयर्स एज पेल येलो स्पॉट जिसे हम लोग रेड स्पॉट कहते हैं, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है फॉर दिस स्पॉट्स क्या है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पेशियस ग्लैंड हैं जो कि अपीयर होते हैं एज अ पेल येलो स्पॉट्स, और ये मोस्टली फाइवा में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया जाता है सरफेस ऑफ द ओरल म्यूकोसा टेंड टू बी स्मूथर एंड हैव फ्यूअर फोल्ड्स और रिंकल्स देन द स्किन, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो डायग्राम्स बनी हुई है ना इसमें ये बना हुआ है, ये डायग्राम आपने देख लेनी है, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है कौन सा वास्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो जो लाइनिंग म्यूकोसा है वो आपको बताना चाहिए लिप्स पे होता है, सॉफ्ट पैलेट पे होता है, चिक्स पे होता है, ओरोफेरिक्स पे होता है। जो हमारे पास मेस्टिकेट म्यूकोसा है वो हार्ड पैलेट पे होता है, डॉर्सल ऑफ द टंग पे होता है, और जो स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा है वो फिलिंग जो हमारे सब पेपिलाई हैं, फिलिंग फॉर्म पेपिलाई, सर्कमवेलेट पेपिलाई, फोलेट पेपिलाई एंड फंजिफॉर्म पेपिलाई, उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनकी ये प्रेजेंस आपको पता होनी चाहिए एंड देन आपको इनकी परसेंटेज पता चल के उसके बाद जो नेक्स्ट है, और यहाँ पे आपने ये साथ इसकी देख लेनी है मार्किंग के किधर किधर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाँ ये जो डायग्राम्स बनी हुई है ना ये भी आपने एक दफ़ा देख लेनी है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये भी एमसीक्यू उसके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन मैनी पर्सन स्लाइट वाइटिश रिजिड अकर अलोंग द बक्कल म्यूकोसा इन द अक्लूजर प्लेन ऑफ द टेथ इज आल्सो नोन एज द लाइनिया अल्बा या वाइट लाइन हम उसे कहते हैं, और इज अ क्रिटिनाइज रीजन एंड मे रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ द एब्रेशन फ्रॉम द रफ टूथ रेस्टोरेशन एंड बीटिंग, ये आपने अच्छे तरीके से लाइन्स याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए, ठीक है। कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं, बाकी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। और बाद आ जाता है कंपोनेंट टिश्यूज एंड द ग्लैंड्स, जो कंपोनेंट टिश्यूज हैं एंड ग्लैंड्स हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा उसमें एमसीक्यूज वगैरह अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं।